हम सबको खुश रखे। अभी मम्मी ने मुझे एक छोटा सा कोट बताया उर्दू में, थोड़ी सी स्टोरी है, बहुत प्यारी है, मेरे तो मेरे दिल को छू गई एकदम। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को घर में इनवाइट करता है कि मैंने न्यू घर लिया हूँ, मतलब आके देख। तो आता है दोस्त और ऐसा ऐसा देखता है, थोड़ा ऑब्जर्व करता है, बोलता है कि घर तो अच्छा है लेकिन मुझे पुराना लगा। उसका दोस्त इतना प्यारा रिप्लाई देता है कि जो तुझे ये पुराना लगा, मुझे ये खरीदने में जमाना लगा। माशाल्लाह, क्या बहुत प्यारी बात है। तो मून डीप है, इस पे रील बनाएंगे, नहीं थोड़ा अलग तरीके में, जैसे कि मून लड़की नहीं बताना, नहीं इंस्टाग्राम पे जाकर देखना जब हमारा बन जाए। ओके, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही रहेगी, लेकिन लड़का और लड़की का शादी का रिश्ते वाला नहीं, सब तो बोल दिए, आप लोगों के लिए इनके पेट में जरा बात नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा वो है ये चीज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं मम्मी और मून टाउन कुछ काम से, क्या वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मम्मी तो व्लॉग में आएंगे नहीं, मैं और मून ही आएंगे, मम्मी साथ में रहेंगे, लेकिन हम लोग दो ही कैमरे में आएंगे। तो आज हम पहन रहे हैं हमारे न्यू शूज, न्यू टी शर्ट, पीछे मम्मी और मून पता नहीं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मम्मी एंड मून इलवा कहना है पहले ही जाके डीजल भरा, हवा तुम अभी तक भरा है नहीं? नहीं अभी जा रहा हूँ, बोले पहले ही जाके डीजल हवा सब भरा के रखो। तो अभी मैं जा रहा हूँ, 10 मिनट पहले उतर रहा हूँ, सब रेडी कर लेता हूँ, इन लोगों को कंटाल आता है पेट्रोल पंप पे आने, तो हम जाके सब रेडी करते हैं, फिर लोग नीचे उतरेंगे और हम लोग चलेंगे टाउन। बिल्डिंग के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चलता है, इसलिए गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। देखो तो मैं बोला सबसे पहले काम करते धुला लेते, ये अंकल जो धो रहे हैं बेचारे, मैं इनका सालों से आ रहा हूँ, यही जगह पे खड़े रहते हैं, गाड़ी पार्क कर दो आपको मस्त चमका के देंगे। सो नेक्स्ट काम भी हो गया है, डीजल भराना, गूगल पे कर देते हैं बस। मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में ना एसी की फिटिंग थोड़ी कम हो रही है, तो हमारे पहचान वाले ये तो मैं बोला एसी का टॉपअप कर देते अगर कम वम हो गैस तो कुछ तो मीटर पे चेक कर रहे हैं, लेट्स सी। नहीं ऐसे तो ठंडी हवा आ रही है, मे भी शायद बहुत गर्मी है इसलिए कम लग रहा था। सो हम लोग निकल गए, मुंजरी मम्मी नीचे आ गए, आप लोग के अकॉर्डिंग मैंने सब रेडी करके रखा था, ठीक है, दुआ पढ़ रहे हो। ओके सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ डीजल हवा हवा धुला उला के, लेकिन फिर गंदी हो गई। और आज रोड रहेगा खाली क्योंकि मैच है और प्लस संडे, तो आज सब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देखेंगे, आई होप सो इंडिया जीते इंशाल्लाह। हार्डली मैं 2 या 3 सिग्नल्स पे रुका हुआ, बाकी रोड पूरा खाली था क्योंकि मैच स्टार्ट हो गई है, सब बैठ गए देखने के लिए। तो अभी पहले रस्ते में कब्रिस्तान आया, ये जो वॉल दिख रही है आप लोग को, इसके पीछे कब्रिस्तान ही है, तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं और फिर मून को एक काम है उसको वहाँ ड्रॉप करेंगे, फिर मम्मी और मैं फूफी के घर पे जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये प्लान है, उसके बाद और प्लान है वो बाद में बताएंगे। तो पहले शुरू करते हैं कब्रिस्तान, डैडी से मिल लेते हैं चल के, फिर उसके बाद देखते हैं आगे इंशाल्लाह। देखो गाइस, आप लोग के लिए जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ तो ये नॉर्मल हुआ, वरना इसके पहले ये रो रहे थे। अरे नहीं, नहीं, थोड़ा ऐसा याद आती तो बहुत बड़ी चीज है डैडी। हाँ, कोई माँ बाप सबकी जगह ले सकते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि आएंगे या कभी चले ही गए, चलो अल्लाह के पास है, जो दुनिया में आए हैं उनको अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने वापस ले लिया, हम सब अल्लाह की चीज है, अल्लाह ले हमको भी ले लेंगे। सही बात है, सब सब सबको जाना है, सब लाइन में खड़े हैं, कब अपना नंबर आए पता नहीं, बस उसकी तैयारी करो बस, इसलिए अपने अमाल और जितना हो सके नेकियां कमाऊं। तो अभी मुंजरीन बोल रही है मैं ब्रिज है यहाँ पर एक, ऊपर जाती हूँ, ऊपर से दिखता है कब्रिस्तान, तो उसको भी ऐसा देखना है ऊपर से, अंदर तो अलाउ नहीं है। तो क्या बोलते जाना है आपको, मुझे ऊपर बैक कैमरा कर सकते हैं आप ऐसा, बैक कैमरा मुझसे हुआ नहीं, गिर गया फोन। सो मैं ये बोल रही थी कि मैं ऊपर से देखूंगी वो सामने ब्रिज से, तो मतलब इतना दिखता नहीं क्योंकि जहाँ से शेजान दिखेंगे जाकर, लेकिन जैसे वो झाड़ आ जाता है बीच में तो सिर्फ शेजान ही दिखेंगे मुझे, बाकी वो क्या करते नहीं दिखता, बस थोड़े मूवमेंट्स दिखते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि लोग कितने नसीब वाले हैं कि लोग को जाकर पढ़ने मिलता है, बैठ सकते हैं उधर, और हम लोग मतलब जितना हो सके घर से कर सकते, लेकिन जो वहाँ पे रह कर ऐसा लगता है कि हम लोग करीब है तो हम लोग बात कर सकते, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ रहा है। आप एक काम करो, फिलहाल दुआ करो, सुभान अल्लाह पढ़ो और सब बख्श दो, ठीक है, हम आए। मैं यहाँ से ऊपर खड़े रह के देख रही हूँ और दुआ मांग रही हूँ, मतलब कब्रिस्तान दिखा नहीं सकती, और शैजान थोड़े अंदर है, मतलब मुझे इतने दिख नहीं रहे, से गए तो मुझे दिखे थोड़ा सा बस,
सोचा एक क्लिप ले लूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग बस मेरे ससुर और हर उम्मत मुसलमान को दुआ में याद रखें। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुंजरीन भी आ रही चलते हुए। कैसा था? हाथ मिलाना है? सही था, ऊपर अच्छे से दिखा, फिर मैं गायब हो गया होगा ना, क्या हो गया? अरे अल्लाह सबर दे इंशाल्लाह, टेंशन मत लो, बैठो आ जाओ। मम्मी भी बेचारे बैठे हैं पीछे, पानी पियो, आ जाओ, रो मत यार। आ गई आपको भी डैडी की, इन्नल्लाह मा साबरीन, पढ़ो मन में। तो आ गए हम लोग फूफी के यहाँ पे, ये मेरा कजिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी फूफी, ये लाडली फूफो बड़े फिर आप ना, और ये सबसे छोटी बेबी, डैडी से छोटी, ये अस्सलाम वालेकुम, ये इनका लड़का माशाल्लाह, खानदान बहुत बड़ा है। और ये पैसेज में बहुत याद है यार, बचपन की कितना घूमते थे। और ये टेरिस है छोटी सी, आप लोगों को दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पर आके पतंग उड़ाते थे। अभी तो खैर इसमें से घुस नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा, देखो ये चीजें बहुत खराब हो गई है फिलहाल। अरमान, ये अरमान इधर ही रहता है अभी भी, बड़ी फुप्पी का लड़का है। यहाँ बचपन में मैं, बुशरा सब इतना खेलते थे। और ये घर है, यहाँ बॉम्बे में ऐसे ही एक एक रूम वाले ही घर रहते ना फूफो, आपका भी ऐसे ही था ना जीनत फूफो? हाँ, लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा था माशाल्लाह, है ना, मेन रोड पे था, मेन रोड पे था। हाँ, चलो माशाल्लाह, बैठ के थोड़ा गुफ्तगू करे। तो ये मेरी सबसे बड़ी फूफी है, फूफी है लाडली फूफी। आपका नाम क्या है, रियल नाम? अलमास खान, लेकिन इनको प्यार से बचपन से सब लाडली ही बोला जाता है। अच्छा, माँ लाडली बोलती थी तो सबने लाडली बोली, क्योंकि आगे भी लड़के ही थे, पीछे भी मेरे लड़के ही थे सारे। अच्छा तो, अच्छा इसलिए आप लाडली हो गए। मेरी माँ बोली है मेरी लाडली। और कितने बहन भाई थे आप लोग? 14। कैसे माँ बाप 14 पालते थे यार? वो पालते क्या थे, उनके सर में कभी दर्द नहीं हुआ, लास्ट में। मेरी दादी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 14 बच्चा पालने के बाद भी माशाल्लाह एकदम खूबसूरत, कभी सर नहीं दुखा। तेरा क्या रंग है जो उनका होता? हाँ, तू पूरा दादी के ऊपर ही है। हाँ, पूरा तू दादी के ऊपर ही है। हाँ, गोरी थी वो, तो ये लाल लाल था, कश्मीरी कश्मीरी लगते थे पूरे, कश्मीरी। कश्मीर से ही थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मुरादाबाद की थी पक्की, मुरादाबाद। बाप नहीं था, आराम से जज्बातों को कंट्रोल करो, वीडियो चाहिए थोड़े भावनाओं में बह जाते हैं। तब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फूफी के यहाँ मिल लिए, मुंजरिंग का काम हो गया, और हम लोग अभी निकल गए हैं, मुसाफिर खाना जा रहे हैं, मम्मी पीछे की सीट पे बैठे हैं, नमाज पढ़ लेंगे। हाँ, नमाज का ध्यान हमेशा रखो आप लोग, जहाँ भी रहो भी जाओ, नमाज ना छोड़ो। तो मुसाफिर खाने में ऐसा है कि वहाँ पे औरतों का भी इंतजाम है नमाज का, तो मम्मी और मुंजरिन भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूंगा आराम से। तो चलते हैं फिर, थोड़ा बम्बई घूमते हैं। हाँ, बॉम्बे में ना पार्किंग का बहुत मसला रहता है, तो यहाँ पे एंड पार्क है, लेकिन इतना महंगा। एक घंटे का कितना? एक घंटे का 100 रुपए, और हम लोग दो घंटे का 200, तीन घंटे का 300, यहाँ ही खत्म हो जाएगा पैसे भाई। नहीं, पार्किंग है भी नहीं, मजबूरन हेल्पलेस है, नहीं तो हो जाएगी, फाइन मार देगा। हाँ, थोड़ा नहीं बहुत। सो हम पहुँच गए हैं, ये लेन है, मुसाफिर खाना अंदर है, और ये गुलशन ईरानी होटल है, बहुत पुरानी है, यहाँ की चाय बहुत फेमस है। और ये है मुसाफिर खाना, यहाँ पे जो भी हज उमरा के लिए जाते हैं लोग, हज के लिए स्पेशली, तो यहाँ रुकने का इंतज़ाम है, औरत और आदमी दोनों का। तो आप जब भी आओ, नमाज का कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। राइट साइड में औरतों का है, लेफ्ट साइड में आदमियों का है, और बड़ी ही खूबसूरत फ्रेम्स लगी है यहाँ पे, मक्का मदीना, और ये सफ़ा मरवा है, तीसरी फ्रेम जो है ना, ये सफ़ा मरवा है, जो 7 राउंड हो गई नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन समस्या हो गई है, मुंजरीन अपना फ़ोन कहीं भूल गई है, शायद गाड़ी में, कंफर्म? तो फिर जाते टाइम ले ले गए। अच्छा, वो पार्किंग में चाबी भी दे गए। चलो आओ फिर, फ़ोन ले लेते, फिर मकबूल पड़ेगा। पहुंच गए, देखो जल्दी बिस्मिल्लाह बोल गए है क्या कहीं? इंशाल्लाह नहीं नहीं मिल जाएगा ऐसा। ओह माशाल्लाह, अच्छा लंबा वॉक करा दिए तुमने वहाँ से यहाँ तक का। सच में लग रहा है 20s से 30s में आ गए, पैर वैर दुखने लगे। यहाँ की मम्मी को चाय बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी इत्तेफाक से आज चाय नहीं, फालूदा पी रहे।
और हम लोग ने एप्पल जूस जो बाहर मिलता है ना टेस्टी रहता है, और हम लोग ने एग सैंडविच भी मंगाया, बहुत बरसों बाद खा रहे हैं, बहुत मजा आता है। हम लोग ने जगह चेंज कर दी है, पहले नॉन एसी में बैठे थे क्योंकि एसी में जगह नहीं थी, फिर एसी में खा लो हम लोग फटाक से तीनों अंदर आ गए। नहीं, हम लोग इतने एंड में बैठे, एसी भी इधर है, एसी एक्चुअली थोड़ा दूर है लेकिन हल्का ठंडक है। आ गया हम लोग का सैंडविच, आ गई एग सैंडविच, हाँ माशाल्लाह मजा आता है खाने बहुत, जो बिस्मिल्लाह करते हैं। मम्मी का फालूदा भी आ गया है और मेरा मौसमी जूस भी, तो मैं भी फालूदा पीऊंगी ना। अच्छा, गिव एंड टेक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, खा पी के पेट भरा आपका, मजा आया। मम्मी ने ट्रीट दे दी है, यस वाइड एंगल है, मैं हमेशा वाइड ही लेता हूँ, टेंशन मत लो आप। अब क्या लेना है, चप्पल और खूबसूरत लग, आ जाओ देखते हैं। जरीन को मन हो गया बाहर निकलते साथ चना बटाटा खाने का, लेकिन ये टाउन का बहुत फेमस है सच में। इमली का पानी है ना भैया, और ये कोकम, ये तड़का क्या बात है, ये मसाला ये मिर्ची पाउडर, नमक, क्या बात है माशाल्लाह, दम भाई हसमुख चेहरा है एकदम, उसका भी स्वाद आया होगा थोड़ा उसके अंदर, कांदा अंदर कोचिए सब, मुंह में पानी आ रहा है। होटल की सोफ खत्म नहीं हुई अब तक, चना बटाटा भी दे ही दो, कैसा है, बिस्मिल्लाह करिए। ये मम्मी का फेवरेट है तेज आलू, मम्मी बहुत पहले से खाते हैं, नहीं अभी फिलहाल नहीं खा रहे हैं, अभी सबकी बैटरी डाउन हो गई तो बोले चलो घर की तरफ ही निकलते हैं, और पार्किंग थोड़ी दूर है तो मैं बोला तुम लोग यहाँ साइड में बैठो मैं गाड़ी लेके आता हूँ, और लेकिन पार्किंग सच में बहुत दूर है, बम्बई गाड़ी लेके आना मज़ा नहीं, ओला सही रहता है, सीधा स्पॉट पे उतरो फिर वहाँ से दूसरी ओला कर लो घर के लिए। सो ये है मेट्रो एडलब्स थिएटर, मतलब ये बहुत अच्छा स्पॉट है, मतलब चार पांच रास्ते यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ये पहले मेट्रो थिएटर था अभी एडलब्स हो गया, और ये कावाजी हॉल, यहाँ पे मम्मी और डैडी की शादी हुई थी, और ये जो आप अभी लेफ्ट साइड में गली आएगी ना, यहाँ पे पूरा बचपना हम लोग आ गया, हम लोग पहले यहाँ ही रहा करते थे। अभी हम आ गए हैं मरीन ड्राइव पे, ये रास्ता भी मुझे बहुत मतलब पसंद है, क्या बिल्डिंग है और इतने बड़े बड़े घर, आप ऐसा यहाँ से पास होएंगे तो आपको दिखते हैं, और ये जो ऐसा राइट टर्न लेते थे ना तो पहले इतना खूबसूरत लगता था पूरा समुंदर, अभी तो क्या क्या ब्रिज बना रहे हैं, तो वो शो पूरा ख़त्म कर दिया, सब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है यहाँ पे, ये वो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो इधर जिम खाना है, बॉम्बे जिम खाना, यहाँ पे बड़ी बड़ी शादियाँ होती है। ये सीलिंग तो मुंबई की जान है, शान है, इतना प्यारा लग रहा है, इंडियन फ्लैग का है ना स्ट्रीट लैम्प पे, वो लाइट्स लगा दिए तो इतना खूबसूरत लग रहा है, मे भी शायद कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा है लेकिन आंखों से जो देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतने सालों से मुंबई आ रहे जा रहे डाउन, लेकिन ऐसा रोड मुझे कभी नहीं मिला, इतना खाली था पूरा, जो एक कॉन्स्टेंट स्पीड थी उसमें मैं पूरा यहाँ तक आया, नहीं कुछ भी रिहर्सल नहीं किया, एकदम नमाज पढ़ा और सीधा बना रहा, ये मुझे ना वही करती है माइंड मेरा, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और जब भी टाउन जाते हैं ना तो थोड़ा दिल भर जाता है मम्मी का मेरा, क्योंकि हम लोग वहां ही रहते थे पहले, बहुत मेमोरीज है, डैडी की याद आ जाती है, खैर अल्लाह उनकी मगफिरत करे, जो दुनिया में आए हैं सबको जाना है, ठीक है, और एक अफसोस की बात है इंडिया हार गई, शिट, लेकिन चलो अच्छे से फाइट करी, कोई बात नहीं, गेम है, हार जीत तो चलती रहेगी। तुम पैसे भी तो लगाए थे। मैं इसको छेड़ा, अगर तुमको पता चले कि मैं बैटिंग लगाता हूँ बहुत टाइम से तुम्हारे से छुपाया हूँ, तो बोली कोई बात नहीं, पैसे जो आएंगे हिस्से दे देना मेरे को, भी मारूंगी पकड़ के तुमको, लू तुमको, लोग बोलेगा ऐसा आवाज क्यों आ रही सिर्फ इसकी। चलो खैर, एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ आप लोग से, दो लोगों की पकड़ सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, एक वो जो इंटरेस्ट पे पैसे खाता है सूद, दूसरा वो जो कत्ल करता है, तो अगर ये गुनाह हो गया है तो माफी मांग के वो चीज को रिपीट मत करो, अल्लाह इंशाल्लाह माफ कर देगा। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए मेरे डैडी, और सबको अल्लाह हम सबको खुश रखे, आते न्यू ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।